हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर हम कितने दिन में हारमोनियम सीख लेंगे या बैंजो बजाना सीख लेंगे या कैसियो बजाना सीख लेंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कितना दिन लगेगा हारमोनियम से कोई भी गाना बजाने में, कोई भी गाना निकालने में, या बैंजो या कैसियो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप बजाते हैं, हारमोनियम कैसियो बैंजो जो भी चीज़ आप बजा रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, और उनसे गाना अगर आपसे अभी नहीं निकल पा रहा है तो कितने दिन लगेंगे। बहुत लोगों की उत्सुकता बनी रहती है कि पता नहीं कितने दिन में हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कि कितना समय आपको देना होगा हारमोनियम बजाना सीखने के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा कमेंट आता है। तो देखिए, दो चार बातों पर निर्भर करता है कि हारमोनियम बजाना हम कितने दिनों में सीख पाएंगे। ठीक है, दो चार चीजें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला होता है उसमें स्वर का ज्ञान होना। ठीक है, कि स्वर का ज्ञान आपको है कि नहीं है, और स्वर का ज्ञान आप कितने दिनों में कर पाएंगे, नहीं यानी स्वर की ऊंचाई और नीचाई ये समझना होता है। जैसे आरोह आरोह हम करते हैं, चढ़ते हुए क्रम, उतरते हुए क्रम, किसी भी गाने में होता क्या है, गाने में स्वर ऊपर जाता है, नीचे आता है, कभी बीच में रहता है। तो इन चीजों को भी हमें समझना है, यानी स्वर का ज्ञान हमको होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आती है कि हारमोनियम पर अंगुली का तेज चलना। तेज चलने से मतलब ये नहीं होता है कि खूब फर्राटेदार आगे और पीछे दोनों तरफ, यानी आरोह आरोह करना, ऐसा कोई नहीं है। आपके मन में कोई स्वर आया, वहां तक स्वतः आपका अंगुली चले जाना, इसको कहते हैं हारमोनियम पर अंगुली का तेज चलना। यानी आपके मन में कोई स्वर आया और आप वह सोचे तब तक आपका अंगुली वहां पर चला गया। तो हारमोनियम पर अंगुली आपका चलना भी चाहिए, लय में और ताल में। तो ये दूसरी चीज ये हो गई, इनको भी जानना जरूरी है। तीसरा चीज आता है लय को समझना। जिस लय में गाने हम बजाना चाह रहे हैं या बजा करके गाना चाह रहे हैं, तो उस लय को हमें समझना होता है। लय अनेक प्रकार के हैं, तो उन सभी लयों को हमें समझना पड़ता है। होता क्या है कि एक ताल में अनेक गाने होते हैं लेकिन सबका लय अलग अलग। ठीक है, तो उन लय को भी हमें समझना होता है। और चौथा आ गया कि गाने का धुन हमारे दिमाग में रहना चाहिए, यानी गाने का धुन हमको याद होना चाहिए। ये चार चीजें हैं। इन चार बातों पर अगर आप ध्यान अच्छे से दे देते हैं, चार चीजों को जान जाते हैं, इन चार चीजों को, तो आप बड़ी ही आसानी से कोई भी गाना, दुनिया का एनीबडी कोई भी गाना आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे आप हारमोनियम बजाना चाहते हो, हारमोनियम से निकालना चाहते हो, कैसियो से निकालना चाहते हो, या बैंजो से निकालना चाहते हो। ठीक है, इन सभी साजों पर जो है आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी गाना। तो स्वर ज्ञान करने के लिए पहले हमें स्वर ज्ञान का वीडियो देखना है। तो चैनल पर आप जाएंगे, ठीक है, चैनल पर बहुत सारे स्वर ज्ञान के वीडियो पड़े हुए हैं, आप उन वीडियो को देखें। नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लेंगे। प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट से भी वीडियो उठा करके आप देख सकते हैं स्वर ज्ञान का। स्वर ज्ञान पहले आपको हो कि स्वर की ऊंचाई निचाई कहां। जैसे मान लो ये सा है, ये प है, ये तार सप्तक का सा है, तो सा से प की कितनी ऊंचाई है, प से फिर तार सप्तक की कितनी ऊंचाई है, या सा से रे के, रे से ग के, ग से म की, ये सब कितनी कितनी ऊंचाइयों पर, यानी स्वर हम जब गाना गाते हैं तो गाना गाने में होता क्या है कि स्वर कभी हमारा ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो उन चीजों को हमें समझना होगा, स्वर की ऊंचाई और निचाई। ठीक है, दूसरा, हारमोनियम पर तेज अंगुली बजाने के लिए हमें आरोह अवरोह का अभ्यास करना है, यानी पलटों का अभ्यास करना है। जो भी पलटा आपको मिला है, ठीक है, आप पहले से अगर आप पलटा का अभ्यास करते हैं तो उसका अच्छे से करें और एक लय में करें। मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी आप अभ्यास करें उसको एक लय में करें। जैसे सा रे ग म प ध नि सा, सा नि द प म ग रे सा। अब इसके दुगुन करना है तो सीधा इसके दुगुन हो जाएगा। जैसे सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ये लय होगा। पहला जो लय था वो
एक अस्थाई लय था, उसके बाद ये दुगुण हो गया, सा रे गा, यानी एक ताली पर एक बोल, एक स्वर का बोल चल रहा है, जैसे सा रे गा प ध नि सा, ये लय चल रहा है हमारा, ठीक है, ये कंटिन्यू लय चल रहा है। इसमें एक ताली पर हम एक स्वर बोल रहे हैं, लेकिन दुगुण हम बोलेंगे तो क्या होगा, एक ताली पर हमारा दो स्वर हो जाएगा, जैसे सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो हमारा हारमोनियम पर जो अंगुली चलना चाहिए वो एक लय में चलना चाहिए, दुगुण हम बोल रहे हैं तो दुगुण में, जैसे सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, ठीक है। चौगुन बोल रहे हैं तो सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। तो लय को लय में चलना चाहिए अंगुली, एक हम अस्थाई में चल रहे हैं तो अस्थाई में, दुगुन में चल रहे हैं तो दुगुन में, त्रिगुन में चल रहे हैं तो त्रिगुन में, और उसके अनुसार हमारा अंगुली भी चलना चाहिए, ठीक है। और तो उसके अनुसार जब चलेगा तो लय जो है अपने आप समझ में आ जाएगा, लय जो है लय पर कमांड हो जाएगा आपका, ठीक है। और गाने का धुन, गाने जब भी सुने, कोई भी गाना आपको हारमोनियम से निकालना है, जिस गाने का आपको अभ्यास करना है उसको खूब इत्मीनान से सुने, उसको दो बार, चार बार, दस बार, बीस बार, पचास बार, जितनी बार आपको सुनना चाहें उतनी बार आप सुने, जब तक कि उसका धुन आपको बखूबी अच्छे से आपके दिमाग में नहीं बैठ जाता है। एक बार जब धुन आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो उसको आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई गाना हम ले लें, जैसे छू कर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा, तो इसका लय क्या है, छू कर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा, तो ये लय चल रहा है हमारा, इसी लय में इसको गाना है, तो अंगुली भी उसी तरह चलना चाहिए, छू कर मेरे मन को दिया तूने क्या इशारा, ला 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 गाने का आपको बोल याद हो या नहीं हो, यानी गाने के शब्द आपको याद हो या नहीं हो, उसका धुन आपको याद होना चाहिए, यानी उसमें जो स्वर का उतार चढ़ाव कैसे, ला 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 तो ये क्या है, ये धुन हमको दिमाग में पहले से याद है, गाने का बोल हमको याद हो या नहीं हो, उसका धुन याद होना चाहिए। जब धुन याद हो जाएगा तो गाने आपको ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी और सहूलियत मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इन चीजों को, इन चार चीजों को जब आप सीख लेंगे तो आप गाना आराम से बजा सकते हैं। अब रही बात कि इन चार चीजों को सीखने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है दोस्तों, इन चार चीजों को सीखने में कितने दिन लगेंगे, तो वो आप पर निर्भर करता है कि इन चार चीजों को आप कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, लेकिन जब तक यह कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप अच्छे से गाना नहीं निकाल पाएंगे। तो इन चार चीजों को अच्छे से आप अभ्यास करें, इस पर प्रतिदिन रोज अभ्यास करें, और जब यह कंप्लीट हो जाएगा तो गाना निकालना आपको स्वतः आ जाएगा, ठीक ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि ये सब बात आप समझ गए होंगे, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अगर आपको वीडियो प्यारा लगा है तो कृपया एक प्यारा से कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर बेल पर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के संगीत से जुड़ी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।